मेरे चैनल जेवीडी ऑर्बिट में आपका बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, सेक्स के बाद हमें क्या क्या बातों पर ध्यान देना है और हमें क्या करना है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा सेक्स जो है हेल्दी सेक्स हो और हमें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए इसी पे आज चर्चा करते हैं और कुछ 7 पॉइंट्स हैं जिसको हम जानते हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, बहुत बार आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि सेक्स करने के बाद क्या करना चाहिए या सेक्स करने के बाद क्या खाना ठीक है। बहुत से पुरुष सेक्स करते ही सो जाते हैं और बहुत सारी जो है महिलाएं भी इसी तरह करती हैं, सेक्स करने के बाद सो जाती हैं। लेकिन आज हम ऐसा बताएंगे जो आपको सेक्स करने के बाद क्या करना चाहिए, इससे आपकी शारीरिक संबंध बनाने की क्षमता भी बढ़ेगी और जो है आपका जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगा। दोस्तों, पहला पॉइंट, अगर आप सेक्स करने से पहले जो कॉन्डम का इस्तेमाल किए हैं तो सेक्स करने के फौरन बाद जो है आप कॉन्डम की जांच कर लें कि वो फटा तो नहीं है, ताकि आपका सेक्स सुरक्षित हो और किसी भी तरह के प्रेगनेंसी का खतरा ना हो, इसको आप जांच कर लें। फिर इसके बाद ये दूसरा पॉइंट जो है कि सेक्स करने के बाद जो है हमारे जिस्म का जो कैलोरी जो है बहुत तेज़ी से घट जाता है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों के बॉडी का कैलोरी जो है घटता है, जिससे हमारा जो है एनर्जी लेवल जो है डाउन हो जाता है और हमें जो है भूख लगती है। तो ऐसा होने पे जो है आप लाइट जो है फूड ले सकते हैं, इसमें जैसे ग्रीन टी हो गया, कुछ फ्रूट्स हो गया, या फिर जो है लाइट स्नैक्स का आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा। तो सेक्स करने के बाद जो है इस नंबर 2 पॉइंट आपका ये कि भूख लगे तो जो है आप भूख लगती है, आपने कैलोरी जलता है, बर्न होता है तो एनर्जी लेवल घटता है तो भूख लगती है, तो उसके लिए जो है आप जो है कुछ लाइट जो है और रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि आप आफ्टर सेक्स जो है बाथरूम जाएं और जाके जो है महिलाएं अपनी योनि साफ करें, क्योंकि जो है बहुत सारा बैक्टीरिया जो है से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, उसको साफ़ करें। और पुरुष भी टॉयलेट जाएं और फिर वहाँ अपने जो है गुप्तांग को उनकी सफाई करें ताकि किसी तरह के इन्फेक्शन जो है से वो बच सकें। लेकिन इसमें ये बात ध्यान देना है कि पुरुष जो है यूरिन ना करें, बल्कि सेक्स करने के 15-20 मिनट बाद ही यूरिन करें, और महिलाएं जो है फौरन जो है यूरिन कर सकती हैं, ये जो है लाभदायक रहेगा। दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो है आफ्टर सेक्स जो है पानी का सेवन करें, क्योंकि सेक्स करने में जो बॉडी का कैलोरी जो है बहुत सारा जल जाता है और प्यास भी लग जाती है, तो पानी का सेवन भी करना अच्छा है और ये हेल्थ के लिए जो है फ्रूटफुल है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट जो है जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिस हैंड वॉश करना है, अच्छे से अपने हाथों को धोना है, साफ़ करना है, क्योंकि सेक्स के दौरान जो है हाथ कई जगह पे जाते हैं जिससे जो है इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, इसलिए हाथ को अच्छी तरह धोना। दोस्तों, इस तरह से कुछ पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताया है जो कि बहुत ही लाभदायक हैं आफ्टर सेक्स। नंबर 1 पॉइंट जो है कि सेक्स करने के बाद सोना नहीं है, ये जो है गलत तरीका है, ये इससे बचना है, इसे अवॉइड करना है। और इस वीडियो में एक पॉइंट ये है कि आफ्टर सेक्स टॉयलेट जाना है, वहाँ जाकर यूरिन करना है आपको, ताकि किसी तरह का जो है संक्रमण इन्फेक्शन से बचें। तीसरा पॉइंट बताया आपके अपनी योनि को साफ़ करना है, अपने गुप्त अंगों को साफ़ करना है। फिर इसमें एक पॉइंट का जिक्र ये है कि अगर कॉन्डम का यूज़ करते हैं तो कॉन्डम को चेक करना है। फिर इसमें एक पॉइंट पे मैंने चर्चा किया कि आफ्टर सेक्स अगर प्यास लगी है, प्यास लगती है तो पानी का सेवन करना है, ये लाभदायक है। और फिर इसमें जो है एक पॉइंट तो आ ही गया कि जो है टॉयलेट जाना और अपने मेल एंड फीमेल दोनों जो है अपने योनि को सफाई करें, ताकि किसी तरह का बैक्टीरिया का खतरा ना हो। और इसमें एक पॉइंट पे है कि जो है भूख लगे तो कुछ लाइट फूड जो है का यूज़ करना है, लेना है, ये भी जो है लाभदायक है। और
सबसे लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया कि अपने हाथ को अच्छी तरह से धोना है ताकि इन्फेक्शन से बच सकें और आप सुरक्षित रहें। तो दोस्तों ये था आज का कुछ पॉइंट्स जो आफ्टर सेक्स जो बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू, बाय बाय।